सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स जिसको कि पता नहीं है कि व्हाट टू डू और हाउ टू अप्रोच यूपीएससी और एपीपीएससी प्रिपरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट एपीपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस एकदम सेम हो गए, दोनों मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है अभी. तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करेगा बोलने से, ये है हमें यहाँ तुम दो के दी प्रोलॉन्गिंग. सो ये है माई एक्सपीरियंस. तो पहले कि जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, आई हैव बीन इंडक्टेड थ्रू एपीपीएससी 2017, एसीआईओ भी क्लियर किया हुआ है, देन पीएमआरटीएफ फेलोशिप भी किया है, बीएम एआरएसआरएल में यूजीसी ने जीआरएफ क्लियर किया हुआ है, इसका जीयू में काम किया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यूपीएससी प्रीलिम्स दो बार दिया है, एसएससी टायर टू चार बार क्लियर किया है, असम सिविल सर्विस का भी मेंस दिया है, एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है, आईबीपीएस का इंटरव्यू भी दिया है. तो अभी आता है पैटर्न में. तो एग्ज़ाम का पैटर्न जब देखेगा आप लोग तो इट्स लाइक प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू. देन जब आप प्रीलिम्स में देखेगा तो इट्स जीएस देन सीसेट. तो जीएस में 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स सीसेट में, ठीक है. तो जीएस डिसाइड्स द कट ऑफ, कट ऑफ जीएस से डिसाइड होता है. आपका जो सीसेट है इट्स जस्ट क्वालिफाइंग. तो क्वालिफाइंग है सोच के बोर्ड लोग क्या करता है, जीएस को ठीक से पढ़ता है, इससे बहुत प्यार करता है ना, ठीक से पढ़ता है, और उसका बाद क्या करता है, सीसेट को एकदम बच्चा है सोच के इसको तो लास्ट मोमेंट में भी पटक देगा बोल के सोचता है. लेकिन बाद में जाके क्या होता है, इतना सन्नाटा क्यों है बोलने से, क्वालिफाइंग पेपर में ही लग गया भाई ना, तो ऐसा होता है, फेल हो जाता है. तो इसलिए दोनों को ही ध्यान देना है, बैलेंस करना है, ठीक है. एंड देन अदर थिंग मेंस के लिए, तो मेंस में देखिए चार जीएस है, जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर, तो सब 250 मार्क्स का है, 250 ना. उसके बाद ऐसे है, ऐसे भी 250 मार्क्स का है, दो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू एसेस, ओके, टू एसेस. देन ऑप्शनल है एक 500 मार्क्स का, जो जिसमें कि टू ऑप्शनल है, 250 प्लस 250, टू ऑप्शनल मतलब पेपर ए पेपर बी करके एक ही ऑप्शनल का, एक वन ऑप्शनल ऑप्शनल उसका दो पेपर ए बी, ठीक है, 250 करके. और इंग्लिश जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. तो क्वालिफाइंग वाला को पहले भी बोला है छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग वाला क्वालिफाई नहीं होने से आपका दूसरा चेक नहीं होगा. तो ये देखिए अभी सोर्सेस, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या क्या पढ़ना है. तो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक के लिए मृणाल का वीडियोस, श्रीराम आई एस का नोट, संजीव वर्मा का बुक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, और क्लास इलेवन का आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किताब पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, और क्लास ट्वेल्व का मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास ट्वेल्व का मैक्रो इकोनॉमिक्स को करना है, इसमें लिखने भूलिए. तो हिस्ट्री तो वही एंशियंट मीडियेबल तमिलनाडु का कीजिए, और ओल्ड एनसीईआरटी कीजिए, उतना काफ़ी है. मॉडर्न इंडिया के लिए प्रतीक नायर का वीडियोस जो कि हम भी प्रोवाइड कर देगा, राजीव आहिर का यूट्यूब में भी अवेलेबल है, राजीव आहिर का बुक जो पॉकेट साइज वाला बुक, अभी पॉकेट साइज नहीं रहा, काफ़ी मोटा हो गया, जैसे जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज होते जा रहा है ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न, तो ये भी मोटा हो गया. देन ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, तो ज्योग्राफी के लिए मोनाल्स का वीडियो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, मजीद हुसैन का बुक ले लीजिए, ठीक है, ये बुक है, इसका बाद मजीद हुसैन का बुक है, इसे क्लास 11, 12 का ज्योग्राफी पढ़िए, जी सी लियोंग लीजिए, ओरिएंट या ऑक्सफोर्ड का एक क्लास लीजिए, ठीक है. उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अग्रहारी का बुक है, और विजन का वीडियो से जो हम देगा प्रोवाइड करेगा, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बबनीत सिंह का बुक है, एक तो उसको पढ़ सकते लेकिन बहुत मोटा बुक है, तो विजन का भी एक आता है बुकलेट, विजन आईएएस का बुकलेट भी आता है 100 पेजेस का, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है. एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का, इसका फिर और भी आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और मृणाल का वीडियोस है, उसको कर सकते हैं. इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए विजन का नोट्स काफ़ी है, इंडियन सोसाइटी के लिए भी विजन का नोट्स काफ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजट का एक बुक मिलता है 100 पेजेस का, काफ़ी है विजन का नोट्स है. प्लस आप जल्दी रिविजन करना है तो रोमेन सैनी का आपका अनएकेडमी का वीडियोस है, उसको देख लीजिए. तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विजन का नोट्स काफ़ी है, और आपका पास लूसेंट जी के एक होना ही है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ना. इसका पेपर फोर के लिए बोलने से डेकोर इथिक्स बाय मुदित जैन, अमृता जैन, इसके बाद लेक्सिकॉन और एआरसी रिपोर्ट ना. तो यहाँ में मटेरियल को हम जो दिया है आपको ये मेंस के लिए पेपर वाइज नहीं दिया है, लेकिन इसी को करने से आपका मेंस का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा इसी से, ठीक है. तो इसके बाद हम बोलते हैं हमेशा रिवाइज मोर, रीड फ्रॉम लेस सोर्सेज, एटलीस्ट द स्टैटिक पोर्शंस ना, इसको ऐसा करो बोलते हैं. लेकिन एस्पिरेंट लोग तो कभी सुनेगा नहीं, और दो बोलते रहेगा, बाद में ऐसा बोलते बोलते फेल हो जाएगा. और रिसोर्सेज फॉर सी सेट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे भी करना है, पहले आर एस अग्रवाल का बुक को पढ़ना है ना, एरिथमेटिक एज वेल एज रीजनिंग का,
यूट्यूब क्लास होता है EduTech में, फ्री वाला स्मार्ट स्टडी का चैनल है, उसमें रीजनिंग को देख सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला देखिए, सीशर फेल हो गया था बोले तो क्या बोला, आर एस अग्रवाल को करो। ठीक है, करंट अफेयर्स करता है, हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कैसे पढ़ना है बोले सिर्फ प्रीवियस वीडियोज़ में है, यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज। और विजन का मंथली मैगजीन एंड डेली करंट अफेयर्स, और दिशा का एक क्वार्टरली आता है 3 महीना में एक बार, फैक्चुअल जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या होना चाहिए, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर जगना। ठीक है, बुक का साथ यूट्यूब चैनल क्या देखना है, सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरा चैनल देखिए, फिर मृणाल है, आर एस टी वी है, स्टडी स्मार्ट फॉर मैच एंड रीजनिंग, क्रैश कोर्स स्टडी आई क्यू है, अनिक रिमी है, मुदित गुप्ता का एक चैनल है, EduTech है, तो ये सब चैनल है, इसको भी आप सेलेक्टिवली देखिए ना, सबको एकदम सबको पूरा देखना ऐसा नहीं है, इसमें सेलेक्टिवली वट एवर यू वांट उसको देखिए पूरा सबको, जैसे कि स्टडी आई क्यू में बहुत सारा वीडियोस आते हैं तो सबको देखना जरूरी नहीं, जस्ट इश्यू बेस्ड देखिए और नीट बेस्ड में उसको देखिए। तो वेबसाइट क्या क्या है, विजन का, मृणाल का, आयुष बाबा इनसाइट, जी के टूडे फोरम, आईस ना, दो या एक प्राइमरीली यूज़ कीजिए। ठीक है, हम विजन आईस यूज़ करता है और ये क्या मृणाल है ना, तो उसको बेसिकली यूज़ करता है और इनसाइट को भी देख लेता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है। तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करेगा, तो स्टार्ट समवेयर एनीवेयर, स्टार्ट वेयर यूर इंटरेस्ट लाइज ना, जैसे पॉलिटी में कोई इंटरेस्ट है, पॉलिटी पढ़िए, साइंस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की साइंस को पढ़िए, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर नो, यू कान जस्ट कीप थिंकिंग ये कहाँ से करेगा ना, कहीं से भी शुरू कर दीजिए ना, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, MCQ को देखिए, इसका MCQ सॉल्व कीजिए, मोर एंड मोर MCQs, तो कैसे होगा, मिस्टेक करेगा, फेल्यूर होगा, रिजेक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, इंसल्ट होगा, फिर आपको IAS बन जाएगा या तो APCS बन जाएगा। ठीक है, तो रिजेक्शन होगा, मिस्टेक्स तो होगा, लेकिन बार ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना, मिस्टेक 3-4 बार होता है बोला, 300-400 बार नहीं होना है, तो फेल्यूर भी 1-2 बार हो सकता है, लेकिन नहीं होने से ही ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाने से ठीक है। ठीक है, तो हाउ टू अप्रोच मेंस, उसमें जब मेंस का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर PSC का वेबसाइट से, तब आपको लगेगा माई रिएक्शन वेन आई सी मेंस, तो ऐसा रिएक्शन आता है, अरे कितना बड़ा सिलेबस है करके ना, तो ऑप्शनल कौन सा लेगा, तो ऑप्शनल उसको लेना है जिसमें आपका बहुत सारा प्यार हो जिसके लिए ना, अगर इंटरेस्ट नहीं होने से तो पढ़ाई होगा ही नहीं। ठीक है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड होने से और भी अच्छा है, डबल अच्छा है। इसका बाद एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिले उसको भी देखना जरूरी है, लेकिन डेट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जैसे कि अगर आप गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं तो उसके पास हमेशा रहने का इच्छा होगा, नहीं तो रहने का इच्छा नहीं होगा। तो विदाउट कोचिंग होगा ना, नहीं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग तो ऐसे बोलेगा, हम लोग ऐसे इतना पास हो गया, इतना पास होते, इतना क्वेश्चन आया है, तो जो कोचिंग नहीं लेने वाला या कोचिंग लेने वाला लोग भी ऐसा होता है ना, जो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे सब क्वेश्चन आया है, तो वेदर शुड आई रीड न्यूज़पेपर और नॉट ना, न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में हेल्प करता है ओपिनियन ना, नो नीड टू पिक आउट फैक्ट्स, फैक्ट्स लेने का जरूरी नहीं, हिंदू या और इंडियन एक्सप्रेस एक पर स्कॉलर्स का नाम हम पहले यूट्यूब वीडियो में बता चुका है, उसको वो करना है, उसको देखिए वो वीडियोस को, फिर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। जो IAS एस्पिरेंट का कैसे होना चाहिए, ये क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर का साथ रिलेशन, तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और संडे का न्यूज़पेपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फांसी होगा, फांसी। देखिए, तो हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी ना, मिनिमम 6 आवर्स, कंसिस्टेंसी इज द की, परस्यू योर अदर इंटरेस्ट एज वेल ना, बैलेंस कीजिए लाइफ को, सब कुछ साथ में कीजिए, योर ड्रीम शुड बी वर्थ मोर देन योर स्लीप ना। एंड देन देखिए UPSC एस्पिरेंट का कितना सारा है इधर, डेली रूटीन ना, कितना सारा कुछ है, बट स्टिल वी से आई एम ओके, आल इज वेल ओके। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर, तो दोनों को कन्वेंशनल या स्टैटिक सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए, अलग अलग से लेके मत चलिए ना, कॉन्सेप्ट को थोरोली लर्न कीजिए जितना भी है अभी, तो जस्ट प्रीलिम्स अभी देगा फर्स्ट, प्रीलिम्स को थोड़ा क्लियर करके जो अपना पड़ोसी को, अपना नेबर को, अपना रिलेटिव को खुश करा लेगा, वो नहीं है दूसरा के लिए नहीं, अपना लिए प्रीलिम्स पास होने से मेंस भी पास होना चाहिए, एक ही टाइम में पूरा पास हो जाना चाहिए। ठीक है, आधा पास होने से कोई ऑफिसर नहीं बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। तो व्हाट इफ आई डोंट क्लियर द एग्जाम, एग्जाम क्लियर नहीं होने से क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बोलते हैं, तो पहले मरने से पहले मत मरिए, डोंट डाई बिफोर यू आर डेड ओके, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ना, दिस जर्नी यू विल मोल्ड यू इन सच ए वे दैट यू विल नेवर रिमेन जॉबलेस, जॉबलेस कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करेगा तो अदर जॉब्स लोग टॉकिंग वाइल वॉकिंग जैसे होगा ना, डेस्टिनी इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, डेस्टिनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द प्रोसेस द जर्नी ना इज मोर इम्पोर्टेंट ओके।
जर्नी इज मोर, जर्नी को कैसे एंजॉय करके जाता है डेट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक हम पोएम लिखा था, तो उस समय हम बहुत डर में था जब इंटरव्यू से पहले ना, बहुत डर में था तब लिखा था, फियर एंड फेट, होप एंड डिफीट, फॉल एंड रन, शेकिंग बट फर्म। ओके, दिस शुड बी योर पॉलिसी। ओके, यू शुड ऑलवेज बी फर्म इवन इफ यू आर शेकिंग ना। यू माइट हैव फियर बट यू शुड हैव फेट ऑल्सो, यू माइट फेस डिफीट बट यू शुड हैव द होप ऑल्सो, यू शुड नॉट लूज होप, यू माइट फॉल बट यू शुड गेट अप एंड रन अगेन। तो कीप द फ्लेम बर्निंग, आई ऑलवेज से दिस, कीप द फ्लेम बर्निंग। ओके, थोड़ा दिन जोश होगा फिर मिट जाएगा, ऐसा होने से नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा हवा में मिट जाएगा, थोड़ा दुख में होने से दारू पी लेगा नहीं पड़ेगा, ऐसा होने से नहीं होगा। माँ गाली दे दे तो आज नहीं पड़ेगा, खाना नहीं खाएगा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। सो ये मौका आपको दो बार नहीं मिलेगा। वट एवर यू आर गेटिंग, टाइम हमेशा पास होते जाता है। आज पास हो जाएगा तो कल आप आज में फिर वापस नहीं आ सकेगा। तो डेट्स वाई ऑलवेज गिव योर बेस्ट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी to get into something better, take the opportunity, otherwise you will be regretting for your entire life, and regretting doesn't help, lamenting doesn't help, being melancholic doesn't help, keep the flame burning, that's why I would say always, okay, so thank you, ये just brief में था ये आपका, brief में हम बना दिया अभी office में बैठ के आप लोगों के लिए, तो इसमें material वगैरह का सब चीज़ है, वो सब देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन होने से हमको पिंक कीजिए। दिस इज़ बेसिकली फॉर द न्यू एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू।